أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, अल्लाह आपको सेहत कामिल अता फरमाए, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे, अल्लाह आपके घर को खुशहाल बनाए, अल्लाह आपके घर में अमन सकून दे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए एक ख़ास नुस्खा लेके आए हैं और ये ऐसा है कि आजकल जैसे कि क्योंकि हम मुरगन ग़ज़ाएँ खा खा के हमारे जो मैदे का और जिगर का और जो हाल हुआ है उसके लिए हम बहुत जद्दोजहद करते हैं कि किसी तरह ठीक हो जाए। तो आपके टांगों में बेचैनी लगती है, रात को सोते वक्त दर्द होता है, घबराहट पैदा होती है आपको, आपके मैदे में जलन है, जिगर में गर्मी है, पेशाब रुक रुक के आता है, खुल के नहीं आता, आपको हाजत सही नहीं है, वाशरूम में आप घंटा लगा देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। गौर से सुनिएगा, हर बच्चे की ज़रूरत है, हर बच्ची की ज़रूरत है, क्योंकि हर बड़ी बीमारी की वजह सबसे पहले मैदा है। अगर आपका मैदा परफेक्ट है, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बीमारी बड़ी कोई नहीं लग सकती। बीमारी की इब्तदा मैदे से होती है, सबसे पहले आपका मैदा ख़राब होगा, उसके बाद किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया, किसी को बी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी की जोड़ों में दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आपको बड़ी आइस में फ़र्क पड़ गया, आप नज़र आना कम होना पड़ गया, इससे बिनाई भी तेज़ होगी आपकी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह पाक ने ज़मीन से इंसान की सेहत के लिए सब कुछ उगाया है। तो एक चम्मच पिसा हुआ धनिया और एक चम्मच आप पुदीना पिसा हुआ, हम वज़न ले लें आप 50-50 ग्राम ला के घर में रखें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। शाम के वक्त सिर्फ उसमें से एक चम्मच लें, पानी में डालें, पी लें। इंशाल्लाह चंद दिन करने से आपकी ये रात की वाली बेचैनी, घबराहट, तकलीफ़, सर में दर्द, डिप्रेशन, सर पे बोझ, घबराहट, ऐसा कहते हैं कि बस अब मैं मरने लगी हूँ, मुझे कुछ होने लगा है, ये सिर्फ गैस, तजाबियत और मैदे की ख़राबी की वजह से आपके जहन में ये बातें और ये ख्याल आते हैं, आपको नींद सुकून से नहीं आती, बेचैन होती हैं आप, आपने हर वे इस्तेमाल कर ली हैं, बहुत सी मेडिसिन खा ली हैं सवाए तकलीफ़ देने के लिए और कुछ नहीं हो रहा। बहुत से लोगों के बारे में धनिया के बारे में गलत राय है कि धनिया इंसान पिए तो ये होता है तो वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरा भाई, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। आप खुल के दिन में एक बार सिर्फ आपने एक गिलास पानी पीना है, इंशाल्लाह आपकी ये मैदे की तमाम बीमारियां ख़त्म। और इसको हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन नुस्खा को बेहतरीन बात लेकर। अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपके लिए दुआगो हैं, आप इस्तेमाल करने वाले बने, आप करने वाले बने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद वाले सहाबी अजमाइल बरहमतिक या रहमर रहीम।